तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जो कि हमारे पास पी जी टी 2003 में पूछा गया, ठीक है ना। इसमें उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, पहला है ए ए यूनियन बी, दूसरा है ए ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी, उसके बाद सी ऑप्शन है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और नन ऑफ दिस। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप इसको ऐसा फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको केवल इतना ही याद रखना है, आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहाँ पर आपको ये सॉल्व करना पड़ जाए, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत कामगार होगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से उनका जवाब दे सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। चलिए,